बदल रहा है। बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैरा ट्रिपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं। नमस्कार, अस्मिता के एक और नए अंक में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। रिश्ते जो सामाजिक ताने बाने में एक अहम रोल निभाते हैं, ये रिश्ते पहले जहाँ भावनात्मकता लिए होते थे, आज उनमें प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये नए जमाने में नई सोच और नए मापदंड है। बहुत से लोगों का कहना रहा कि हमारा कल्चर पश्चिमी होता जा रहा है, इसलिए रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तों की उम्र घट रही है। वही बहुत से लोगों का ये भी मानना रहा कि घुट घुट के क्या जीना, लेकिन एक अच्छा खासा प्रतिशत उन लोगों का भी है जो रिश्तों को निभाने में यकीन रखते हैं, नहीं चाहते उन्हें तोड़ना, और जब ये रिश्ते किसी वजह से टूट जाते हैं तो ये खुद टूट जाते हैं। क्या ये सही है? क्या जिंदगी को गम की चादर से ढक लेना सही है, या बीत गई सो बात गई की सोच लेकर जिंदगी को नए सिरे से संवारने की कोशिश करनी चाहिए? अस्मिता के आज के अंक में बात इन्हीं टूटते जुड़ते संवरते रिश्तों की। हमारे साथ जो खास मेहमान इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, उन सबसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ है डॉक्टर कमल खुराना जी, आप रिलेशनशिप काउंसलर है, स्वागत है आपका कमल जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ है डॉक्टर समीर मल्होत्रा जी, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एंड साइकोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल से आते हैं, स्वागत है आपका समीर जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ है सर्वेश, आप जानी मानी फोटो जर्नलिस्ट है, खुशांदीप सर्वेश अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ है डॉक्टर सैयद मुबीन जहरा, आप सामाजिक विश्लेषक हैं, खुशांदीप मुबीन अस्मिता कार्यक्रम में। और आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र शर्मा जी, आप जाने माने कवि हैं और हास्य या यूं कहें खुशियां बिखेरते हैं लोगों की जिंदगी में, स्वागत करते हैं आपका। और हमारे साथ जुड़े हैं कुछ नौजवान स्टूडेंट आए हैं मार्च से, गाजियाबाद से, बहुत जुझारू स्टूडेंट हैं जो आपसे सवालों का दौर जारी रखेंगे। और इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, आइए हम नजर डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट। किसी रिश्ते का खत्म होना जिंदगी की बुनियाद को झकझोर कर रख देता है। ऐसी चीज जिनके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नामुमकिन जान पड़ता था, वो भी बुरी लगने लगती हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे वक्त थम गया हो। लेकिन किसी भी रिश्ते का खत्म होना किसी नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकता है। ब्रेकअप होने से अक्सर आत्मविश्वास को धक्का लगता है, कोई रास्ता नजर नहीं आता। अगर कोई सहारा न मिले तो ऐसे में कोई तनाव से भरे अकेलेपन से घिर सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। यहाँ ये सोच बेहद जरूरी है कि किसी के छोड़कर चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। क्या जिंदगी के रंगों को दोबारा संवारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या हर बात के लिए अपने को कोसते रहना ही सही है, या बीती बात से सबक लेकर अपने आने वाले कल को संवारने की कोशिश अक्लमंदी है? तो ये तो थी हमारी खास रिपोर्ट जो आप सबने देखी। कमल जी, मेरा सबसे पहला सवाल आप इसे, क्योंकि आप रिलेशनशिप काउंसलर है, रिश्तों को बहुत करीब से देखने का आपको मौका मिल जाता है, गरिमा या नए दौर में बदलते रिश्तों को आप किस तरह से परिभाषित करना चाहेंगे? देखिए, आज के दौर में जो रिश्ते हम देखते हैं, जितने क्लाइंट्स के तौर पे कपल्स आते हैं, इंडिविजुअल्स भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं जो एक बदलाव देख रहा हूँ इन सालों में, कि लोग आजकल एक तो बहुत जल्दी में रहते हैं, जो भी रिश्तों के अंदर इमोशंस होते थे, जो भी भावनाएं होती थी, उनको समझना, उनको एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की आशाओं इच्छाओं को अपने अंदर समाना, उसे अपनाना, ये सब चीजें अब बहुत पीछे रह चुकी हैं। आज की डेट में जो एक्सपेक्टेशन मुझे अपने रिश्ते से, अपने पार्टनर से है, वही मेरी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पर है, और इसी वजह से मुझे धोखा होता है और फिर दिक्कतें आती हैं। और जो लोगों से आप जब मिलते हैं तो बेसिकली उनके जहन में क्या चलता है रिश्तों को लेकर?
लोगों से जब हम मिलते हैं तो पहला जो कुछ समय जब हम उनको सिर्फ सुनते हैं तब यही रहता है कि वो अपनी लंबी सी एक लिस्ट बताते हैं कि इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, ये मेरे साथ ऐसा करती है, ऐसा करता है। इसके डीप जो क्यों होता है, क्यों का जवाब उन लोगों के पास होता नहीं है। और सेकेंड फेज में जब हम उनसे क्यों पर जाते हैं तब उनको सब चीजें अपने आंखों के सामने स्पष्ट होती नजर आती हैं और तब पता चलता है कि कहाँ वो हैं। समीर जी, है दिल और जहन और इन तमाम चीजों का हाल बखूबी आप हमें समझा सकेंगे। रिश्तों में अगर हम शुरुआत बहुत खूबसूरत होती है लेकिन जहां से प्रॉब्लम शुरू होती है उस चीज को आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए ऐसा है, इसके लिए सबसे पहले रिश्तों की बारीकी में जाने की आवश्यकता है। रिश्तों की यदि हम नींव की बात करें तो कहीं ना कहीं परस्पर त्याग, प्यार, कमिटमेंट, विश्वास ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी रिश्ते को बरकरार रखने में या उसकी उम्र बढ़ाने में। और आज का यदि हम युग देखें और बदलते सोच के मापदंड अगर हम देखें तो हर इंसान आज मैं की लड़ाई लड़ रहा है। मैं की परिभाषा जो है वो संकुचित होती जा रही है। मुझे दूसरे से क्या मिल सकता है बनस्पति इसके कि मैं दूसरे को क्या दे सकता हूँ। फिर आज मूवमेंट बहुत बढ़ गई है, आप देखिए स्थायित्व तो खत्म हो रहा है। चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में ही देखें, लोग आज बहुत जल्दी एक करियर से दूसरे करियर में जंप लगाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक भटकाव है, एक डिसकंटेंटमेंट है, एक चॉइसेस का दौर है जहां मुझे लगता है कि इंसान शायद परफेक्ट इंसान को खोज रहा है बजाय उस रिश्ते में परफेक्शन को ढूंढने के। ये आपको तकलीफ दे रही है बात, जो मैं जो समझ पाई ये कि हम शायद रिश्तों को खुद ही अच्छे सही तरीके से परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं जिन रिश्तों को हम जीना चाहते हैं। सर्वेश है, सर्वेश आपने तो रिश्तों को जिया भी, टूट का दुख भी भोगा। क्या आपको इन सालों में लगा कि क्या वजह रही जो रिश्ते नहीं चल पाए? मेरी तो छोटी उम्र में शादी हो गई थी। रिश्ते, मेरा जो हस्बैंड था वो तो बहुत ड्रिंक करते थे और खूब टॉर्चर करते थे, मेंटली और फिजिकली दोनों। तो इन्होंने बात कही है कि रिश्ते जल्दी जल्दी बदलने के लिए नहीं, मैंने तो 10 साल निभाया है। 10 साल बाद मैंने तलाक के लिए किया और जब पानी सर से ऊपर हो गया तब मैंने तलाक के लिए करा। मैंने बहुत कोशिश करी कि घर बसे, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और अगर जाती तो जाती कहाँ। मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि अब झगड़ा करके मत आना। निभाने की बहुत कोशिश करी, इसलिए मतलब उसका टॉर्चर करना अत्यधिक था, जलती सिगरेट से जलाना, ये उसकी ये थी। इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था, अगर वो ये टॉर्चर करता था तो मैंने तो रिश्ते बहुत मजबूरी में तोड़े। उसके बाद जो मैंने घर से निकली और मेरे को एक सहेली संस्था ने हेल्प करी, वो तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो जब टूटन थी, जब मैं घर में रहती थी और घर से बाहर निकली तो मेरे आगे तो बिल्कुल अंधेरा था। मैं कभी नहीं समझ सकती थी कि मेरे आगे, आज जो मैं जिंदगी जी रही हूँ, कभी नहीं सोचा था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी या मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगी जिसने कभी देहरी से पैर कदम नहीं निकाला था। तो एक 10 साल घर में कैद रहने वाली, वो रिश्ते के बारे में तो कुछ जानती नहीं थी क्योंकि पति ही परमेश्वर था, सब कुछ जो कुछ वो कहता था वही है सब कुछ। उसके बाद मैंने जिंदगी जी है, लेकिन आज की जो जिंदगी जी है उसके लिए मैंने कितना संघर्ष करा है, क्योंकि मैं बड़े बाप की बेटी नहीं या ये नहीं, तो इसीलिए मुझे संघर्ष करना पड़ा आज जिंदगी बनाने के लिए। अब तो खैर टूटने के बाद तो मैं जो जिंदगी जीती हूँ वो रोना और ये सब नहीं, आगे बढ़ने के लिए, अपनी मजबूती से मैं आगे बढ़ने के लिए मैंने अपना, यकीनन आपने बिल्कुल एक मील का पत्थर स्थापित किया है अपनी जिंदगी। अगर मैं आपकी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आपने वो सब कुछ किया जो शायद आप कभी सोच भी नहीं सकती थी और आज आप कामयाब हैं। बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। मुबीन, रिश्तों की जो हम टूट की बात कर रहे हैं इसमें सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियां कितनी जरूरी है समझना, और साथ ही साथ जो आजकल एक ट्रेंड चला है, चाहे वो टीन एजर्स हो, चाहे वो कॉलेज गोअर्स हो, चाहे वो जरा सी बात में बिल्कुल टूट जाते हैं, इसको क्या कहेंगे? देखिए इसका हमारा जो पैराडाइम चेंज हो रहा है, हमारा सोशल लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, वो काफी जिम्मेदार है इसके लिए। पहले क्या होता था कि लोगों को लिमिटेशंस होती थी कि इस लिमिट के आगे हमें नहीं जाना है। जैसा कि सर्वेश जी का एग्जांपल है, उन्होंने कोशिश की 10 साल, शी ट्राइड टू कीप दैट रिलेशनशिप गोइंग एंड आई थिंक इट्स हैट्स ऑफ टू हर कि उसके बाद भी उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीड़ा आपको नजर आती है कि वो रिलेशनशिप टूटने की। तो
आप अगर इसको इस अक्ष से देखें, सामाजिक अक्ष में देखें इसको, तो आपको ये नजर आता है कि हम लोगों में संयम की कमी होते जा रही है, और दूसरे का नजरिया देखना और उसको समझना, वो हमारा जो भी सिचुएशन है उसमें उस पर्सन का क्या नजरिया है उसको समझना, बैठ के डायलॉग और कम्युनिकेट करना, उसकी कमी होती जा रही है। और सबसे बड़ी कमी जो बच्चों के साथ और टीनेजर्स के साथ है कि ये एक ऐसी जनरेशन है जिसे हर चीज उपलब्ध है, और उनको मांगने से पहले वो चीज उनको मिल जाती है, तो उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन उस चीज को बचा के रखना, जब आपको पता रहता है कि आपको ये चीज कितनी मेहनत से मिली है, किस मशक्कत से आपको वो चीज मिली, तो आप उसको संभाल के रखते हैं। लेकिन आज रिलेशनशिप को भी आप उस नजरिए से देखिए कि ठीक है, आज ये मेरा फ्रेंड नहीं है, मेरे फ्रेंड लिस्ट पे नहीं है, कल दूसरी कोई और मेरे फ्रेंड लिस्ट पे होगा। तो फ्रेंड की जो परिभाषा है या रिलेशनशिप की परिभाषा है वो समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमारा जो लाइफस्टाइल है जैसा कि मैंने कहा, उसके साथ साथ जो हम संस्कार अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्या हमारे बच्चे जो लिटरेचर हम पढ़ते थे वो लिटरेचर पढ़ रहे हैं, वो साहित्य पढ़ रहे हैं, क्या उनको वो मॉरल साइंस लेसन्स दिए जा रहे हैं, क्या पेरेंट्स बैठ के बता रहे हैं कि कल पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मेरी दादी थी या मेरी बहन थी, मेरी मासी थी, हमने बैठ के डिस्कस किया। ओके, ठीक है, फादर से आप नहीं डिस्कस कर सकते, भाई से नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन आप कहीं ना कहीं कोई ऐसे रिलेशनशिप होती थी जहां आप अपनी बातों को शेयर कर सकते थे, और फ्रेंड्स भी ऐसे होते थे। तो वो पैराडाइम चेंज हो, क्योंकि रिलेशनशिप सेल्फिश मोटिव पे बेस हो रही है, कोई एक इमोशनल और कोई एक सोशल कॉन्टैक्ट उस पर बेस नहीं हो रही है। भावनात्मकता का खात्मा आपको नजर आ रहा है। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, काफी तीखी नजर रखते हैं आप ऐसे रिश्तों के ऊपर, या यूं कहें कि समाज पर आपकी काफी तीखी नजर होती है। हाँ, कैसे डिफाइन करना चाहेंगे आप? ऐसा जहां तक लव मैरिज की बात है, लव मैरिज से पहले प्रेमी प्रेमिका की जो स्थिति होती है, प्रेमी बैगर होता है, प्रेमिका डोनर होती है, और जो ही शादी कर लेते हैं तो ये रिश्ता बदल जाता है। पति जो है वो डोनर बन जाता है और पत्नी बैगर बन जाती है। तो ये बीच का जो बिखराव, एक झटके में जो बदलाव आता है, वो एक झटका देता है जो कि संबंध में बिखराव की स्थिति पैदा करता है। बहुत सही बात आपने कही। एक दूध के उफान की तरह से, जब प्यार करता है एक दूध का उफान आता है, वहां पर आप प्यार करते हो, शादी करते हो, शादी होते वो उफान बैठ जाता है और उस लेवल पर आ जाता है कि वो पति ये सोचता है कि ये वैसी नहीं रही, वो ये सोचता है ये वैसा नहीं रहा। तो इस वजह से एक बिखराव जिंदगी में जो आता है वो इस वजह से आता है। आप नॉर्मल जिंदगी से अभव जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं प्रेम के अंदर, इसमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। जैसे प्रेमिका ने प्रेमी से कह दिया हमारे हरियाणा में कि मुझे चांद ला सकता है, बोले हाँ ला दूंगा, पर एक बात बता, धरती के चक्कर क्या तेरा बाप लगाएगा? तो एक प्रैक्टिकल होना चाहिए कि भी सीधी शादी अभी हाँ भर देने से क्या फायदा, जो चीज हो नहीं सकती। और मेरा ये मानना है कि जहां तक अरेंज मैरिज की बात है, उसमें आप ये नहीं सोचते कि लड़की क्या लेकर आ रही है। जैसा कि इन्होंने बताया, आप वो लड़की लाते हैं जो कि कार लेकर आती, ना कि संस्कार लेकर आती। आपके दिमाग में दूसरी चीजें घूमती हैं, कार लड़की महत्वहीन हो जाती है और जो उसके साथ चीजें वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक देखा जाए तो बैगर होता है लड़के वाला, क्योंकि वो कन्या दान लेता है, बेटी का दान लेता है, और दिक्कत तब पैदा होती है जब आप बेटी का दान लेते हैं तो उसे बहू में क्यों कन्वर्ट करते हैं? दान बेटी का ले रहे हैं तो बेटी की तरह उसे रखेंगे, तब कभी जिंदगी में ना तो करवाट आने वाली है ना आगे आ सकती। हम वो कन्वर्जन बंद कर दें, बेटी को बेटी की तरह से रखें, तो मैं समझता हूँ किसी भी परिवार में ये टूटन की भावना कम होती। बहुत खूबसूरत बात आपने कह दी। हसन की बढ़ती आकांक्षाएं, बढ़ते जद्दोजहद, और ऐसे में एक दूसरे के लिए निकलता कम वक्त। बात चाहे शादी की हो, कोर्टशिप की हो, रिलेशनशिप की हो, या हो टीम टाइम की, शुरुआती आकर्षण और उस रिश्ते को लंबे समय तक बनाए रखना अलग अलग बातें हैं। वहीं बढ़ता तलाक का ग्राफ इस बात की तरफ इशारा करता है कि रिश्ते कुदरत बनाती है और उन्हें निभाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जब इनकी टूट फूट हो जाए तो जिंदगी को कैसे जिया जाए? जानेंगे अगले सेगमेंट में अपने पैनलिस्ट से। आप रहिएगा अस्मिता के साथ, हाजिर होते हैं।